नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 अध्याय 9, इसमें हम आज प्रमेय 9.1 पढ़ेंगे, जो कि है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास यही एक आधार है CD, और CD और AF ये समांतर रेखाएं हैं। इन्हीं दो रेखाओं के बीच में हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज हैं। पहला समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसे हमने पिंक कलर से यहां पर दर्शाया है। यह हमारे पास पहला समांतर चतुर्भुज है। दूसरा समांतर चतुर्भुज है EDCF और CDEF। ठीक है बच्चों, ये दो हमारे पास समांतर चतुर्भुज हैं। हमें सिद्ध करना है इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, यानी एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच में जो दो समांतर चतुर्भुज बने हैं ABCD, यह पिंक वाला, और CDEF यह जो ब्लू वाला है। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वह बराबर है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। उपपत्ति की हम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे ADE, त्रिभुज ADE, और दूसरा त्रिभुज लेंगे CFB या CBF। इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों ध्यान से देखिएगा आप, सबसे पहले क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब AD समांतर है BC के, और इसमें यह जो है AB यह एक तिर्यक रेखा का काम करती है। देखिए यह रेखा AD और यह रेखा BC समांतर हैं, और AB एक तिर्यक रेखा का काम करती है, तो इसमें यह कोण 1 इस कोण 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि ये संगत कोण है। बच्चों संगत कोण कौन से होते हैं? जब दो समांतर रेखाएं हो और उनके बीच में एक तिर्यक रेखा हो, तो वे इस प्रकार से ये जो दो कोण बनाएंगे ये आपस में बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं के लिए संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखिए कि CDEF भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब यह DE रेखा CF के समांतर होगी, और यदि ये भी समांतर है तो इससे बच्चों यह कोण 3 यह इस कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि यह रेखा इसके समांतर है और EF तिर्यक रेखा है, तो ये 3 कोण और ये कोण 4 ये संगत कोण बन जाएंगे, और समांतर रेखाओं के लिए संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। फिर से इसका कारण है कि ये संगत कोण है। बच्चों इसी प्रकार हमें पता है इन दो त्रिभुजों में यदि त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों, तो कोण योग गुण से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, त्रिभुजों के कोण योग गुण से तीसरा कोण भी आपस में बराबर ही होगा। यानी इस त्रिभुज का तीसरा कोण जो कि यह है 5, और इस त्रिभुज का तीसरा कोण जो कि है कोण 6 मान लो, तो ये कोण 5 भी कोण 6 के बराबर ही होगा। यानी दो त्रिभुजों के यदि दो दो कोण आपस में बराबर हैं, तो उनके तीसरे कोण भी आपस में, तीसरे संगत कोण भी आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि यह कोण योग गुण है त्रिभुजों का। तो बच्चों देखिए इन दो त्रिभुजों में एंगल 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 यानी ए सर्वांग समता
कसौटी के अनुसार त्रिभुज एडीई एडीई सर्वांगसम होगा त्रिभुज सीबीएफके। ठीक है बच्चों, ये सर्वांगसम का निशान है। और बच्चों हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। हमने यह पढ़ा था, सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई यानी त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी एफ के। बच्चों इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। आइए बच्चों अब हम एक बार दोबारा अपनी इस आकृति को देखें। बच्चों इसे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको अभी दिखा रहा हूं एक बार। इस आकृति में देखिए, यह जो त्रिभुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी ए बी सी डी, यह कैसे बना है? यह इस चतुर्भुज बी सी डी ई और त्रिभुज ए डी ई को मिलाने से बना है, यानी इनके जोड़ से। यह चतुर्भुज ए बी सी डी, यह इस चतुर्भुज और इस त्रिभुज के योग से बना है। तो यही मैं यहां पर लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया किसके बराबर है? एरिया ऑफ ई बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी ई। बच्चों इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दो, हम इसको सॉरी जूम आउट कर लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया किसके बराबर है? ई बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी ई, इनके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों यहां हम यही लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी यह किसके बराबर है? सॉरी बच्चों, एरिया ऑफ ई बी सी डी, एरिया ऑफ ई बी सी डी ये भी ऐसे ही लिखेंगे, प्लस देखिए एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी किस किसके बराबर है? एरिया ऑफ सी बी एफ के। तो ए डी ई की जगह मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ सी बी एफ। ठीक है बच्चों, इसका कारण है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब बच्चों आप ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ई बी सी डी चतुर्भुज प्लस एरिया ऑफ सी बी एफ। देखिए ध्यान से इस आकृति को, ध्यान से देखिए, मैं इसको फिर से एक बार जूम करके आपको दिखाता हूं। ई बी सी डी प्लस एरिया ऑफ सी बी एफ, ई बी सी डी है यह वाला चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज, और सी बी एफ है, सी बी एफ है यह वाला, यानी कि यह है और यह है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? यह चतुर्भुज बन जाएगा ये वाला, यानी कि सी डी ई एफ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ई बी सी डी है ये वाला चतुर्भुज प्लस यह वाला त्रिभुज मिलकर यह वाला समांतर चतुर्भुज सी डी ई एफ, सी डी ई एफ बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही हम आगे लिखने जा रहे हैं। देखिए ई बी सी डी प्लस सी बी एफ यह बराबर है एरिया ऑफ सी डी ई बी के, एरिया ऑफ ए बी सी डी के, यानी कि हमने क्या सिद्ध किया बच्चों? एरिया ऑफ ए बी सी डी यह वाला समांतर चतुर्भुज, यह इसका क्षेत्रफल बराबर है
सी डी ई एफ के, सॉरी बच्चों यहां पे एफ था, सी डी ई एफ के, यानी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल सी डी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर आया। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि एक ही आधार सी डी पर बने और एक ही समांतर रेखाओं सी डी और ए एफ, इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में दो चतुर्भुज हैं, दो समांतर चतुर्भुज हैं ए बी सी डी और सी डी ई एफ, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो हम लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यह प्रमेय 9.1 सिद्ध कर दी है। धन्यवाद।